दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं बहुत ही बेहतरीन प्लान के। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, इस मॉडल को डिस्कस करेंगे जिसका साइज है 40x30 40x30 में ये घर बनाकर मैंने रेडी किया है। और गांव के लिए ये घर बेहतरीन होगा, जहां पर 3 बेडरूम आपको मिलते हैं, साथ साथ किचन, लेट बाथ वगैरह सारी डिटेल आपको देखने को मिलेगी। तो बने इस वीडियो में लगातार, और मैं ओपन छागड़ और आप देख रहे हैं अपना चैनल स्मॉल हाउस प्लान। अगर आपने अभी तक स्मॉल हाउस प्लान को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लें, साथ साथ बेल आइकन जरूर दबा दें, इससे मेरे आने वाले सभी वीडियो आप लगातार देख सकें। स्मॉल हाउस प्लान पर दोस्तों आपको लगातार अपडेटेड वीडियो मिलते हैं, मॉडर्न हाउस मिलते हैं जो आपके लिए बहुत ही बेहतरीन हो सकते हैं। आप कोई भी घर का नक्शा यहाँ से देख सकते हैं। तो जो आज का मॉडल है उसे हम आपको डिस्कस करेंगे बारी बारी, सबसे पहले जूम करके दिखा दूँ जिससे आपको उसका रियलिस्टिक भी देखने को मिल जाए, देख पा रहे होंगे। और इसमें मैंने ग्राउंड फ्लोर जो क्रिएट किया है उसे मैं डिस्कस करूंगा। ये इसका ग्राउंड फ्लोर है, देखिएगा ये सामने से रोड है, स्टेयर से है, माध्यम से ऊपर जाएंगे। ये लगभग दोस्तों 9x30 फिट का बारंदा आपको देखने को मिलता है। और ये मैंने रेलिंग यहाँ पर क्रिएट किया है, और ये देखिए पिलर्स हैं, और ये डिजाइनिंग के पर्पज़ से मैंने कुछ चीज़ें क्रिएट की हैं। ये आपका विंडो है, और ये फर्श पे जे फर्श के ऊपर जो वॉल है उस पर 1.5 फिट का ये मैंने जो टेक्सचर दिया है ये आप देख पा रहे होंगे, चारों तरफ मैंने टेक्सचर ये दिया है, 3 साइड क्लोज्ड है। तो ये बारंदा हो गया। आप मेन डोर ये है, यहाँ से आप एंट्री करते हैं, जैसे तो आप हॉल में पहुँचते हैं, हॉल से आपको एक इस यहाँ पर एक बेडरूम मिलता है बड़ा सा, एक इस कॉर्नर में बेडरूम, ये आपका लेट एंड बाथ बड़ा सा, ये आपका स्टेयर्स, और ये आपका पूजा घर, ये आपका किचन। फ्रंट में किचन डिजाइन इसलिए क्या ऐसे वेंटिलेशन प्रॉपर तरीके से होता रहे। आप ये वाला विंडो एक यहाँ पर भी विंडो दे सकते हैं, और 2 विंडो मैंने ऑलरेडी यहाँ पर दी, अंदर अलग अलग बेडरूम और विंडो दिया है, कुल मिला के यहाँ पर 2 बेडरूम। अब मैंने 3 बेडरूम यहाँ पर क्यों लिखा, अगर आप इसे एक बेडरूम कंसीडर करते हैं, क्योंकि 10x10 का ये है, तो आप ये किचन यहाँ पर इंक्लूड कर लें, ये वाला किचन रह सकता है, और ये आपके एक गेस्ट रूम भी बन सकता है, क्योंकि 10x10 का ये मैंने एक एरिया दिया जो किचन मैंने यहाँ पर बोला है। तो अगर आप इसे एक किचन कंसीडर करते हैं तो ये 3 बेडरूम हो जाएंगे, और ये किचन, ये लेट एंड बाथ, ये स्टेयर्स, या आप अगर इसे किचन कंसीडर करते हैं तो आपको 2 बेडरूम मिलते हैं। तो यहाँ पर ये पूरा मकान देखिएगा, यहाँ पर एक बड़ा सा बेडरूम लगभग 15x15 का ये आपका ओवरऑल लेट एंड बाथ है जो काफ़ी बड़ा है, और यहाँ पर भी कॉर्नर पर बेडरूम मिलता है, ये आपका पूजा घर, ये किचन फ्रंट में। तो ये पूरा मकान फ्रंट व्यू यहाँ पर ये इसका दिखता है। और आपसे अनाउंसमेंट और करना चाहते हैं, कोई भी आप घर बनवाना चाहते हैं, स्कूल या कुछ भी, तो मैंने दोस्तों एक पेड सर्विस स्टार्ट की है जिसके तहत आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं व्हाट्सअप पर, मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन में, आप हमें कांटेक्ट करें। वो हमारी पेड सर्विस, इसका विशेष ध्यान रखें, 50% पेमेंट आपको एडवांस देना होता है, 50% बाद में, लेकिन पेमेंट आप तभी करें जब आपकी हमसे बात हो जाए, अन्यथा अन्य व्यक्ति को पेमेंट बिल्कुल ना करें। तो अब हम लास्ट फ्लोर जो है ये देखिए, पूरा लास्ट फ्लोर चारों तरफ 3.5 फुट का बाउंड्री, फ्रंट में रेलिंग जो कि थोड़ा सा मैंने मॉडर्न और स्टाइलिश क्रिएट कर दिया हालांकि, और ये आपका एक गुमटी क्रिएट कर दिया है जो स्टेयर्स थी। तो गांव के लिए 3 बेडरूम के साथ बेहतरीन सा घर है, बेस्ट है, कम बजट, लो बजट में हाउस मैंने इसीलिए क्रिएट किया है कि ज़्यादा पैसा भी ना लगे। और आपका लगभग 1200 स्क्वायर फीट, चार दें 1240x30 है, 40 फीट इसकी चौड़ाई है, 30 फीट लंबाई है, तो 1200 स्क्वायर फीट में ये हाउस बनकर रेडी हो जाता है गांव के पर्पज़ से, क्योंकि यहाँ पर मैंने बारंदा वगैरह दिया है। तो ये पूरा मकान कैसा लगा हम इसको जरूर बताएं, साथ साथ वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। कोई भी डाउट है, कोई भी सजेशन है, कुछ भी है, तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। और दोस्तों मेरा एक एप्लीकेशन है जिसके माध्यम से आप इसकी कॉस्ट फाइंड आउट कर सकते हैं कि इसमें कितना मटेरियल लगेगा, कितना कॉस्ट लगेगा। उसके लिए आपको प्ले स्टोर पर जाना होगा और स्मॉल हाउस प्लान सर्च करना होगा, एक आपको एप्लीकेशन मिलेगा, वो उसे इंस्टॉल कर लेना है, या लिंक डिस्क्रिप्शन में भी मैंने दे रखा है। तो ये पूरा वीडियो जो भी है आप अपना ओपिनियन ज़रूर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।